तो वो 15-20 वर्ष भी गणे दिखा करेंगे। जैसे अब हम सोच रहे हैं 100 वर्ष, जैसे आज जिन बच्चों की उम्र 20-22 वर्ष की है, वह उनको कोई नौका कोई यूं कह देते भाई तेरी उम्र 80 साल है, कोई हाथ दिखा दे, खुश होता है 80 साल है बहुत देरी है। और जब 80 के निकट आवे है, जब ने सोचे भगवान 10-1 वर्ष और हो जाए, यदि शरीर स्वस्थ है, अस्वस्थ तो फिर नहीं कहता मेरी जीवन रहे, नो कहे भगवान ठीक ठाक मर भी सक जाऊँ पर दुखी ना हो, मतलब मरने की भी अटकल लानी पड़ती है। लेकिन ये सोचने से नहीं, ये परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा की कृपा से ये बुढ़ापा भी ठीक जीव का रहता है। और उसके लिए हमने पहले से ही प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि काल ने सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, एक विशेष धारणा बना रखी है आम आदमी में। जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नाम ले लेते हैं, हम 3 वर्ष बच्चा जब बोलने लग जाता है उसको प्रथम मंत्र प्रदान कर देते हैं और दूसरा मंत्र सतनाम 10 वर्ष की आयु का जब हो जाता है दे देते, क्योंकि फिर वो श्वास की क्रिया को अच्छी तरह करने योग्य हो जाता है। और आम धारणा क्या है, जैसे कोई 40 वर्ष का बच्चा है, 20 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, 25 वर्ष का है, लड़का या लड़की, और उसको कोई गांव वाला नू कहता है, गांव वाले से कहता है नाम ले रहा हूँ, बताया ले अभी कोई नाम लेने का टाइम था तेरा, भक्ति तो बुढ़ापे में करा करे। अब बुढ़ापे में जिस भक्ति करोगे जी ये जानेगा, सारी उम्र तक खोटे कर्म कर लिए 50-60 साल तक, फिर सुख कितना होगा, वो तो सारे कर टूटेंगे, फिर कोई बालक मर जाएगा कि तब छोरी विधवा हो जाएगी कि तो और सौ समस्याएं रहेंगी, अपने शरीर में बिना जाने कितनी बीमारियां घर कर जाएंगी। तो परमात्मा कहते हैं अच्छे दिन पाछे गए, कबीर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे तो दुख कहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहें कबीर ता दास की फिर कौन सुने फरियाद। अब घर में भी सुख, परिवार बच्चे भी ठीक, बढ़िया जगह विवाह हो गया, अच्छी उनकी पोस्ट हो गई, या कोई कारोबार ठीक हो गया, कोई ना पूछता भगवान ने, फॉर्मेलिटी करते हैं 6 महीने में कि तो माता दो कहे तो दो कहे नवा भी कोई आवश्यक नहीं। परमात्मा कहते हैं तू जाने तेरी ऐसे निभाएगी हरदम लेखा भरना रे, तूने सोचा है कि मैं ऐसे ही मौज माची रहेगी, ऐसे आनंद रहेंगे, नहीं। कहते एक एक श्वास का अकाउंट हो रहा है तेरा, जिस दिन तेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे या बैटरी पूर्व जन्म की चार्ज है, पुण्य इकट्ठे हैं एकत्रित है, जिस दिन वो समाप्त हो जाएंगे बैटरी इन्वर्टर सा फ्यूज हो जाएगा तुम्हारा, जैसे वर्तमान में एक इन्वर्टर चला रखा है वैज्ञानिकों ने, उसमें बैटरी होती हैं 2, उन बैटरी को चार्ज लाइट से किया जाता है चार्जर के द्वारा, और जो बैटरी जब चार्ज हो जाती हैं और चार्जर हटा भी दे लाइट से कनेक्शन ना रखे तो भी वो इन्वर्टर कार्य कर रहा होता है, पंखे भी चल रहे हैं, ट्यूब भी जग रही हैं, और अपना काम वो पूरा कर रहा है। और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी वह बैटरी, एकदम कड़च हो जाएगा, और फिर ना पंखे चले ना कूलर चले ना वो लाइट रहे। तो इसी प्रकार जिनके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, वो आज कोई तो प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, और कोई और ऊंच पोस्ट पे है, अन्य कोई अच्छे पैसे हैं, कोई फैक्ट्री मालिक है, कोई खान खोज रहा है, कोई अच्छा किसान है, जमींदार है। और जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज होएगी, पूर्व जन्म के पुण्य समाप्त होंगे, फिर देखा उसके लाके के बनेगी।
ऐसे बहुत से उदाहरण वैसे तो पहले भी थे वो हमारे आंख नजरों में, पर इतने कसक ना बने थी, उनका दर्द नहीं दुख नहीं डर ना बने था। अब जब नाम उपदेश और ये ज्ञान होने के बाद फिर दुर्घटनाएं जनता के साथ घट रही हैं बिना नाम वाले के साथ, तो फिर आंखें और ज्यादा खुल गई हमारी कि जो नो दिखा करते वह बड़ा इनका काम चल रहा है, बड़े बच्चे भी ठीक हैं, आज उनकी वह दुर्गति हो रही है, उनकी कहानी सुन लेता आंखें मत सोनी सुख आदमी की। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें सुख में करे ना कोई, और जय सुख में भी सुमरण कर ले तो दुख का एक होए, सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कह कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्मा ये सु अवसर है जो आप जी को परमात्मा ने कृपा बख्शी है, परमेश्वर ने स्वयं आकर के यथार्थ ज्ञान आपको दिया है। मानो ये आत्मा मानव शरीर धारण करके जो पुण्य आत्माएं हैं पिछले मनुष्य जीवन से आई हैं वो परमात्मा की भक्ति के बिना रह नहीं सकते, और वैसे ही सात्मा जब से ये भगवान से विमुख होया है बिछुड़ कर आया है सतलोक से आया है उसी दिन से इसको आभास हो चुका है कि परमात्मा बिना तेरा ठिकाना बिल्कुल नहीं, उसी दिन से ये फिर खोज करने लग गया है परमात्मा का। इस आत्मा ने उसी दिन से ट्राई शुरू कर दी, लेकिन जहाँ ये आ चुका है जहाँ ये आत्मा आ चुका है इसने इसको मालूम नहीं तू कहाँ आ गया और यहाँ का मालिक कौन है, काल ब्रह्म ज्योति निरंजन सदाशिव, काल रूपी ब्रह्म, ये हमें धोखे में रखे हुए हैं, सच्चाई से परिचित नहीं होने देता। इसका उद्देश्य है कि इनको अपने मालिक की जानकारी ही ना हो, और इसी कारण से ऋषि महर्षियों ने एक अज्ञान थ्योरी बना दी, सिद्धांत बना दिया कि जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता, जन्म मृत्यु तो बना ही रहेगा। गीता जी का उदाहरण देकर समझाया कि ये प्राणी एक शरीर को जब छोड़ता है दूसरा शरीर इसके लिए तैयार हो जाता है, जैसे एक कीड़ा होता है, कीड़ा वो ऐसे ऐसे चलता है पिछले पैर फिर उठा कर फिर आगे रख लेता है, फिर अगले दांत से होते हैं आगे पीछे उसके पंजे, कहते अगला पैर अगली टहनी पर रखकर ही वो कीड़ा पिछले पैर को उठा कर आता है। यानी ये जब यहाँ से शरीर छोड़ता है तो पहले इसका नेक्स्ट जीवन तैयार हो जाता है, इसलिए कहते क्यों चिंता करें जन्म तो होते ही रहेंगे। तो ऐसे उदाहरण दिया करते थे। अब आज मनुष्य जीवन है, अगला गधे का तैयार अप हो गया क्योंकि भक्ति ठीक करी नहीं, वो शरीर तैयार है वो तो मिलना ही मिलेगा, या भूत बन जाओगे कुछ दिन, पितर बन जाओगे कुछ दिन, स्वर्ग में देवता भी बन सकते हो अगर कोई पुण्य अच्छे हो गए तो। लेकिन तत्व ज्ञान के अभाव से हम परमात्मा के विधान से बिल्कुल अपरिचित हो चुके हैं। पुण्यात्माओं पिछले सत्संग में आप जी को बताया था कि ये प्राणी दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त करता है, एक तो टर्न वाइज इसको मानव शरीर मिलता है 84 लाख योनियों को भोग कर एक मानव जीवन इसको कंपलसरी मिलता है, वो कबीर परमात्मा के ने इस काल को एक आदेश दे रखे है ना, तो यो एक भी जन्म ना दे मनुष्य के, क्योंकि इसको सबसे बड़ा खतरा है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये मालिक पा सकता है, इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी यही एक खासियत है, अन्यथा परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर के बारे में क्या बताया है। गर्भ ना करे रे गवारा,
जो बन धन पावना दिन चारा जी। क्या बताते हैं परमात्मा के पशु के चाम की तजूती बन जा नौबत और नगारा। नर दे ही किसे काम न आवे या जड़बुज हो जा छारा। कहते पशु के चाम की जूते बन जाते हैं नौबत और नगाड़ा। ये राजा लोग नगारे बजाया करते थे और कई प्रकार के ढोलक ढालक पर भी खाल लगा कर उसको प्रयोग कर देते हैं, लेकिन नर दे ही किसे काम नहीं आवे या तो राख बनेगी व्यर्थ यूजलेस। या जो भक्ति नहीं करते परमात्मा की सत्साधना नहीं करते वो मनुष्य शरीर इतना यूजलेस है, इतना व्यर्थ है ये, पशु से भी बुरा। पशु का चाम भी काम आ जाए पर इसका चाम भी काम नहीं आता, और इससे परमात्मा प्राप्ति हो सकती है। इसलिए ये सबसे उत्तम शरीर यानी चोला बताया है। तो पुण्यात्माओं, आप जी को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आपके पुण्यों की कोई गिनती नहीं। और एक तो ऐसे टर्न वाइज जीवन मिलता है मनुष्य का, और एक मिलता है जैसे पिछले संस्कारों के कारण भी आपके कंटिन्यूसली 2, 4, 10, 20, 50, 100 भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं। फिर उनका लाभ के जैसे हम अब 60 साल का हो लिया 10 लगभग, अब इस जीवन में हमने क्या मिला, जब ये मार्ग ना मिलता या भक्ति नहीं करते तो हमने जो प्रोसीजर सुन रखा था, जो मान रखा था कि बच्चों की परवरिश कर देंगे, इनकी शादी कर देंगे, भगवान इनका संतान दे दे, फिर बेसिक मर जावा, अगले जन्म मृत्यु होगी, कोई पुण्य शेष रह जाता, अगला जन्म फिर मनुष्य का हो जाता तो वो प्रोसीजर फिर शुरू। तो 5-6 बालक हों, कोई मर जा, कोई बच जा, फिर हाहाकार। यानी हम जीव संज्ञा में रंगे हुए थे, अब हमें पता चल गया, परमात्मा की वाणी ने हमें हला कर रख दिया कि क्या बताते हैं कि तू वहां चल जहां जन्म मृत्यु नहीं होती। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोट जन्म तने बरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कोटि जन्म तने बरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौआ हंस बुगारे, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, कोटि जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक हो कै तू दर दर घूमया, ये मिला न निर्गुण रासा, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया, मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर, असंग जन्म तोय मरत्या हो गे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बोर ना दे दुर रे, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु।